हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शुभम गेम्स के एक और एपिसोड में। तो गाइज, मैं पिछले कुछ दिनों से फिर से एपिसोड नहीं डाल रहा था, अब तो ये डेली का हो गया। तो क्योंकि मैं स्कूल स्टार्ट हो गए थे और एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाली है मेरी, तो इसलिए थोड़ा बिजी हो गया था और मैं एपिसोड नहीं डाल पा रहा था। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं माइनक्राफ्ट नहीं खेल रहा था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा माइनिंग की है। सबसे पहले तो मैंने बोला था इंचांटिंग कर लूँगा, तो इंचांटिंग की मैंने, और मुझे एफिशिएंसी 3 और सिप टच की एक पिकेक्स मिल चुकी है एंड ब्रेकिंग 3 भी है। तो मुझे अब इसमें क्या मेंडिंग चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो मेंडिंग तो मुझे विलेजर से मिलेगी, तो उसका कोई इशू। और फिर मैंने इसके साथ माइनिंग की और मुझे 17 डायमंड्स मिले और रेडस्टोन तो है ही, और आयरन भी। मैं एक्चुअली 2-3 दिनों से माइनक्राफ्ट नहीं खेल रहा था, इसलिए मैं ये सब चेस्ट में रखना भूल गया था। मैं अचानक लॉग आउट कर दिया और फिर ये सब मेरे पास ही है, तो इसको भी थोड़ा बहुत ठीक कर देता हूँ। ओके, सो ये हो गया। एंड गाइस, एक वार्डन ट्रेडर आया था, तो उससे मैंने ट्रेड करके एक ये मेलन सीड भी लिया है, तो आज हम इसको भी प्लांट करने वाले हैं। तो और क्या है, बस इतनी चीज़ें मेरे पास। और मैंने कुछ वो विलेजर्स में आते हैं ना, उनको मारा था, तो मुझे 2 एमरल मिले थे, तो वही। और मेरे पास आयरन भी काफ़ी है, तो मैं सबसे पहले एक हो बना लेता हूँ। तो मैं सोच रहा था वुड की बनाने का, लेकिन वुड की अभी नहीं बनाऊंगा, मैं आयरन की बना लेता हूँ। शिट यार, ये रेसिपी बुक मुझे सबसे बेकार लगती है। ये मुझे पता है भाई, माइनक्राफ्ट कैसे खेलना है। ऐसा कुछ होना चाहिए इसमें जो कि कुछ दिनों बाद अपने आप फट जाएगी। कहाँ लगाऊं इसको? हाँ, ओके, तो ये हो गया। तो मेलन भी अब हमारे पास आ चुका है, अब ये ग्रो होगा जल्दी, और रात भी हो गई। तो गाइज, मैं लास्ट जो एपिसोड था हमारा, उसमें मैं हाउस बना रहा था, और ये हाउस मैंने बोला था कि मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगा, और मैंने ये कंप्लीट किया। तो अब ऐसा कुछ दिख रहा है घर, एक से घर हट जा। तो कुछ ऐसा दिख रहा है घर अभी। अंदर तो उतना कुछ नहीं है, बस मैंने एक स्टोरेज सिस्टम बनाया है अंदर, इसको बंद कर दूं। और मैंने एक स्लाइम ब्लॉक लॉन्चर भी बनाया, क्योंकि मुझे स्लाइम्स मिले थे, तो मैं स्लाइम ब्लॉक लॉन्चर बना लिया एक। बहुत इजी है, आप भी बना सकते हो। बस एक पिस्टन है और उसको पावर देते हैं, और बस यही है। ओके, सो ये बन गया। मैं इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें भी रख रहा हूँ, लाइक रेडस्टोन की चीज़ें यहाँ पे है, यहाँ पे खाने वाने की चीज़ें हैं, यहाँ पे वुड की चीज़ें हैं। तो ये आप लोगों को दिखा दिया मैंने। तो अब बात करते हैं कि मैं आज के एपिसोड में, और हाँ गाइज, मैंने ये इंचांटिंग सेटअप भी कंप्लीट कर लिया है, पूरे पूरे 15 लेवल्स वाला। और इस पर मुझे स्वॉर्ड पे क्या मिल रहा है, मैं स्वॉर्ड का आपको चेक नहीं किया। स्माइट फॉर क्या, अभी नहीं चाहिए मुझे, कुछ रहने दो। तो अब चलते पहले सो जाते, क्योंकि रात हो चुकी है, वरना फिर मॉब्स आके मार डालेंगे हमें। ओके गाइस, सो आज के एपिसोड में हम लोग क्या करने वाले हैं वो बता देता हूँ। अभी मैं थोड़ा लॉग आउट हो गया था वापस से, क्योंकि थोड़ा लैग कर रहा था गेम। तो आज के एपिसोड में हम लोग एक बड़ा सा फार्म बनाने वाले हैं, तो उसमें 3-4 पार्ट्स होंगे। सबसे पहला होगा एक वीट का, दूसरा होगा पोटैटो, तीसरा होगा कैरेट। मेरे पास अभी बस कैरेट है, पोटैटो नहीं है, लेकिन फिर जब हमारे पास आएगा तो हमारे पास स्पेस होनी चाहिए, इसीलिए। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे उस फार्म को बनाने का, तो इसके लिए मुझे पूरा एरिया को पीछे पुश करना होगा, तो मैं एक शवल बना के ले आता हूँ। ओके, सो लेट्स गो। सो अब यहाँ से मैं टाइम लैप्स स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को बोर ना होना पड़े। ओके गाइस, सो मैंने इस एरिया को क्लियर कर लिया। ओके गाइस, सो मैंने इस एरिया को क्लियर कर लिया, और अब यहाँ पे हम लोग अपने फार्म्स को तैयार करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बकेट में फार्म, तो यहाँ पे मैं एक इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार पानी लाने ना जाना पड़े। हाय मिस्टर ड्राउंड, पता है आप लोग
तो गाइस आज का टीपी है, जब तक आप लोग पानी में नहीं जाओगे तब तक ड्राउंड आपको नहीं मारेगा, क्योंकि आप उससे इनविजिबल रहोगे। ओ वाओ, सही है। फ्री टिप्स एंड फ्री गोल्ड, तो मेरे लिए अच्छा हो गया ये। तो चलो अब हम लोग फार्म पे ही काम करते रहते हैं। तो ओके, तो सबसे पहले मुझे एक ट्रेंच बनाना होगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बनाऊँ। यस, क्योंकि वो मेरे ट्री फार्म के अंदर चला जाएगा फिर। ओके गाइस, सो वाटर का तो पूरा काम हो चुका है, अब मुझे इस पूरे एरिया को टिल करना होगा अपने हो से, तो वही कर रहा हूँ अभी मैं। और इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि एक एरिया बहुत बड़ा है। ओके गाइस, 50% से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, अब बस इस साइड का बाकी है। तो इस साइड का पूरा कंप्लीट करने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पे खाना खा लूँ। मैं यहाँ पे अभी थोड़ा लाइटिंग का कुछ सोचने वाला हूँ। तो भाई साहब यहाँ पे आके मर गया, मुझे डर लग रहा था मुझे न मार दे। मैं यहाँ लाइटिंग का कुछ सोचता हूँ, तो मैंने थोड़ी बहुत आइडियाज़ तो लिए हैं, तो मैं उन्हीं का यूज़ करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मुझे स्लैब्स ही होंगे, तो सबसे पहले मुझे स्लैब्स की ज़रूरत थी क्योंकि मैं करना चाहता था। ऐसे में क्या है, पानी हमें दिखेगा नहीं पर पानी अपना काम करता रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं मेलन फार्म एंड पम्पकिन फार्म भी बनाने का, तो इस एक लाइन को मैं मेलन एंड पम्पकिन फार्म के लिए छोड़ दूंगा। बाकी पूरे को मैं टिल कर देता हूँ। ओके सो अब जाके मैं सीड्स ले आता हूँ, क्योंकि ये फार्म का काम हो चुका है, अब सीड्स लेके आते हैं फटाफट से इसको। ओके रात भी हो रही है, तो फटाफट से इसको मैं आता हूँ और ये भी चेक कर लेता हूँ कि लाइटिंग सही है कि नहीं। ओके सो लाइटिंग परफेक्ट है। सो ये हो गया, यहाँ पे मैं पम्पकिन भी फटाफट लगा देता हूँ क्योंकि रात हो चुकी है और डर लग रहा है मुझे। सो ये भी हो गया। और मैं अपने बेड को अभी इस घर में ले आऊँगा, क्योंकि उस अगर उस घर में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, और मैं यहाँ के जितने भी फार्म्स हैं उन सबके वो जो सीड्स हैं उनको वहाँ ले जाऊँगा मैं। एक्चुअली एक इश्यू हो गया है, मुझे एक एक अल्टरनेट करके लगाना था, बस तीन है। ओके सो ये अब ग्रो हो रहा है और मुझे कुछ चाहिए होंगे। ओके सो मैं कैरेट को भी एक डाल देता हूँ यहाँ पे, अरे तो मैं इसको कैसे ग्रो करने वाला हूँ। तो इस पूरे रो को मैं एक बस वीट के लिए रखूँगा, ये जितना भी 8x जो भी एरिया है वो पूरा वीट के लिए। यहाँ पे रहेंगे दो लाइन रहेंगे हमारे कैरेट के लिए, और बाकी जो तीन लाइन बचेंगे या दो लाइन जो बचेंगे वो रहेंगे हमारे इसके लिए पोटैटो के लिए, और ये जो है दो लाइन वो हमारे मेलन एंड पम्पकिन के लिए। तो मैं बाद में इन फ्यूचर इनको थोड़ा अलग अलग कर दूंगा, क्योंकि ऐसे ठीक नहीं है, तो लेकिन अभी के लिए बस ऐसे ही रहेंगे। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सीधा भी तो टाइल कर सकता हूँ। तो जो ओके सो
ये जो मेलन एंड पम्पकिन होते हैं वो अब पहले क्या होता था सिर्फ एक डायरेक्शन में उगते थे, लेकिन अब फोर डायरेक्शंस में से किसी भी डायरेक्शन में उग सकते हैं, तो इसीलिए इनके लिए उतना जगह डालना पड़ता है। और आपको पता ना हो तो बता दूं कि जितना ज़्यादा मेलन एंड पम्पकिन आसपास रहेंगे उतना ज़्यादा जल्दी ग्रो होते हैं। तो आप अगर अपना मेलन पम्पकिन फार्म बना रहे हो तो उसको बड़ा बनाओ, जितना बड़ा बनाओगे उतना ज़्यादा ग्रो होगा। तो आज मेरी आवाज़ भी थोड़ी ख़राब लग रही होगी क्योंकि ठंडी का मौसम है, और क्योंकि ठंडी का मौसम है और गला ख़राब हो जाता है इसलिए। किस तो इससे दो दो मिल रहे हैं मुझे प्लांट से। वेट, क्या अगर मैं इसको तोड़ूँ तो मुझे दो मिलेंगे, तीन सीड्स मिलेंगे। सही है, तो जल्दी जल्दी सीड्स की फार्मिंग कर चुका, लेकिन इससे यही है कि मेरा एक वेस्ट होगा। पम्पकिन से इसको छोड़ो, पे इसको छोड़ो, यहाँ पे ओके। अब इसको यहाँ पम्पकिन का है। एंड गाइस, मैं जल्दी एक रिसोर्स पैक डालने वाला हूँ अपने वर्ल्ड में, जो कि मेलन प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं उसको ग्रीन और पम्पकिन के ऐसे ही कलर के दिखाएंगे, तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेलन के प्लांट्स कौन से हैं। ओके, बच गया, मेलन के प्लांट्स कौन से हैं और पम्पकिन के प्लांट्स कौन से हैं, तो वो थोड़ा सा ईजी रहेगा। उससे कुछ खास तो नहीं होगा, मतलब ग्रो कुछ नहीं होगा, बस कलर्स चेंज हो जाएंगे, तो उससे मुझे थोड़ा ईजी रहेगा प्लांट्स को डिस्टिंग्विश करने में। तो यहाँ पे एक था, तो पम्पकिन ओके। सो ये हो चुका है। अब मैं जैसे जैसे ग्रो होते जाएंगे मैं इसको फार्म को बढ़ाता हूँ। तो गाइज, आज के एपिसोड को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या गुड डे। अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड गाइज, हमारा चैनल बहुत करीब है 700 सब्सक्राइबर के, और 700 सब्सक्राइबर पे Q&A भी होने वाला है, तो जल्दी से 700 सब्सक्राइबर कर दो। और अगर अब तक अपने क्वेश्चन और अगर अब तक आपने कोई क्वेश्चन ना पूछा हो तो जाके Q&A वाली वीडियो में कमेंट कर दो #Q&A डाल के, या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछना है तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जल्दी Q&A की वीडियो भी आने वाली है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी 700 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होंगे तब तक मैं वो वीडियो तो डालने से रहा, तो इसीलिए जल्दी से 700 सब्सक्राइबर कर दो गाइस। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या एंड हैव अ गुड डे। वाह, शुगर केन भी काफ़ी हो गया यार आज तो, पैसा ही पैसा होगा। एंड मैं अब इस पूरे एरिया को साफ़ कर दूंगा और ये हट भी हटा दूंगा, या शायद नहीं।